और नेपाल के प्रधानमंत्री 2 और 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रचंड। इस यात्रा के दौरान 2 जून को नेपाल के प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के होटल मैरियट में उन्हें रात्रि भोज देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री आगामी 2 और 3 जून को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। प्रचंड भगवान महाकाल के दर्शन भी करेंगे, महाकाल लोग घूमेंगे और इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसे देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, ना इसके ना 2 और 3 जून का ना निर्धारित है, उसके लेकर है ना अभी माननीय मुख्यमंत्री भगवत द्वारा रिव्यू किया जाएगा। उनका है ना मतलब है ना कुछ खास बिंदु है कि उज्जैन महाकाल टेम्पल जाएंगे, हमारी इंदौर के ना स्वच्छता को लेकर हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान देखेंगे। इंदौर एक आईटी सिटी के माध्यम से भी उभर रहे हैं, सो TCS और इन्फोसिस के ना ऑफिसर्स विजिट करेंगे। इस प्रकार बुरहानपुर जिले के शाहपुर में जीवनदायिनी कही जाने वाली अमरावती नदी इन दिनों दुर्दशा का शिकार है। शासन प्रशासन की अनदेखी से नदी का ये हाल है। कभी इस नदी में पानी बहा करता था, आज इसमें प्लास्टिक, पॉलिथीन, कूड़ा करकट, गंदगी, गंदा पानी ये नजर आता है। इस नदी का पानी घर घर पहुंचकर लोगों की कभी प्यास बुझाया करता था। इसके पानी पर किसान निर्भर रहा करते थे और आज ये स्थिति देख लीजिए। स्थानीय नगर परिषद की अनदेखी के चलते नदी की साफ सफाई तक नहीं की जा रही। इसके चलते इलाके के लोगों ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा है कि वो जल्द नदी की साफ सफाई करवाएंगे, गंदगी से उसे मुक्त करवाएंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो नदी का जो आप दृश्य देख रहे हैं, इतनी पॉलीथीन की उसकी पत्थर बन गई है पूरी नदी में और पूरा कितनी गंदी हो गई है, और सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। यहाँ का प्रशासन जो है वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि ये नदी पहले बहुत साफ सुथरी